राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। हाँ जी चलिए। चल अब हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। कितने दिनों बाद आई है बच्ची। हाँ माँ, मैं भी कब से राह देख रही थी इस दिन की, जब मैं आप सब लोगों के साथ आराम से बैठूंगी, सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी। अरे अक्षरा, तेरी साड़ी तो कितनी प्यारी है, तेरी सासू माँ ने दी है क्या? हाँ, और उन्होंने आज मुझे अपना खानदानी हार भी दिया है। हाँ? ना जाने कितनी पीढ़ियों ने पहना है ये चंदन हार। अक्षरा, क्या हुआ? मेरा हार, मैंने पहना था, पता नहीं कहाँ गया। बेटा लेकिन तू पहन के तो आई थी ना? हाँ माँ, मैं पहन के आई थी। फिर कहाँ? तुम वहां बैठी थी ना? हाँ, बड़ा सा हार है दादू, 3 लड़ियों वाला। माँ ने कहा भी था कि संभाल के रखना। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, फिकर मत। नीचे देखो, इधर देखो। शौर्य, आपको ऑफिस जाना ना, आपकी मीटिंग है। अरे लेकिन वर्षा, वो शौर्य मैं ढूंढूं, आप जाइए। बेटा तू जा, तुझे देर होगी। माँ मैं फटाफट मीटिंग खत्म करके आता हूँ। अगर नहीं मिला हार तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले, मायके में जाके हार कैसे खो दिया। मिल जाएगा, इतना परेशान मत होइए। कहाँ गिरा होगा, मैं माँ से क्या कहूंगी, मैं उनकी दी हुई चीज नहीं संभाल सकी। उन्होंने तो वो हार लॉकर में रखा था, सिर्फ दिवाली के लिए निकाला है। बाहर भी नहीं दिख रहा, जेवर का गुंबा अच्छा ना हो गया है, और वो भी सोना। मालकिन, 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 मुझे माँ को बताना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बेटा तू परेशान मत हो, माँ हम एक काम कर सकते हैं, हम अक्षरा के ससुराल वालों से ये कह सकते हैं कि हार हमसे खो गया है और उसके बदले में हम दूसरा हार बनवा के दे दें। माँ वो उनका खानदानी हार था, बदला नहीं जा सकता, कैसे खो गया वो मुझसे, क्या कहेंगे वो लोग, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें। अक्षरा, जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अचानक जी अक्षरा, वो तो अपने कमरे में है, क्या मैं उसे वहां जाकर मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, हाँ बेटा क्यों नहीं, आप ही का घर है। भगवान, अब तो सब पता चल जाएगा। मां
अक्षरा देख, तू ऐसे रोती रहेगी ना तो घर में सब परेशान हो जाएंगे। प्लीज अक्षरा सुन ना, प्लीज चुप हो जा। एक तो वो आर्मी खो गया और वहां नैतिक भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। आपको ये हार कहाँ मिला? इस हार ने मेरी बीवी की शांति छीन ली थी ना। इसी के लिए रो रही थी आप? दो दिन से परेशान है कि आपको कार में नहीं, घर के बाहर मेन गेट के पास पड़ा था। माली ने आज सुबह ही वहां से उठाया। तो क्या घर में सबको पता चल गया? थैंक गॉड नहीं। आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है अक्षरा। माली ये हार माँ को देने ही जा रहा था कि मेरी नजर पड़ गई और मैं सब समझ गया। मैंने सब संभाल लिया है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं ये भी समझ गया कि आप मायके क्यों रुकी और इतना परेशान क्यों थी। आपने मुझे बता देना चाहिए था। घबरा गई थी नैतिक, मुझे लगा आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे आप। अक्षरा आप मुझे अपने आप तक समझा, क्या आपकी टेंशन मेरी नहीं, क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं? नहीं नैतिक, ऐसा नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आगे से आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। अक्षरा आप मेरी अर्धांगिनी है, हम जैसे सुख दुख एक साथ बांटते हैं ठीक उसी तरह एक दूसरे की ताकत भी हम ही है ना। मेरे होते हुए आप अपने आप को इतना अकेला समझ बैठी, अकेले ही इस मुश्किल में कितना परेशान हो गए, ये ठीक तो नहीं है ना। अगर कल को मैं किसी मुश्किल में हूं तो क्या मैं आपको उसके बारे में ना बताऊं, आपसे छुपा लूं? कभी नहीं। फिर वैसे ये सोच सोच कर मुझे कितना दुख हो रहा है कि आप कितना परेशान थी और कल रात को मैंने आपसे ठीक तरह बात तक नहीं की। मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। आप
सबसे ज्यादा अहम मेरे लिए कुछ भी नहीं, सच